नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए फेसबुक लाइव कर रहा हूं। इस बीच में ट्विटर को लेकर बहुत सारी बहसें चल रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक चर्चा ऐसी है जो मुझे लगता है भारतीय राजनीति को उसने सीधे सीधे प्रभावित किया है, और भारतीय लोकतंत्र को जो चीज इतने सीधे तौर पर प्रभावित करे उसके बारे में आप सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस फेसबुक लाइव से पहले एक मैं सूचना दे दूं कि मेरा जो वीडियो है ये कॉपीराइट फ्री है, और इसको कोई अगर इस्तेमाल करना चाहे तो इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। तो बात जो मुझे कहनी है वो 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई एक घटना के बारे में है। जरा याद कीजिए, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उससे पहले क्या चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस की तरफ से राफेल डील, जो फाइटर प्लेन की डील थी, उसको लेकर ये आरोप लग रहा था कि इसमें कोई सौदेबाजी हुई है, कोई डील हुई है, कोई घपला हुआ है। इसके जवाब में एक नारा उन्होंने दिया था, चौकीदार चोर है। लेकिन बीजेपी ने इस नारे को पलट दिया और यह कहना शुरू किया कि हम सब चौकीदार। और आपको याद होगा कि उस दौरान एक वो तारीख भी याद कीजिए, 17 मार्च को बीजेपी ने ये नरेंद्र मोदी ने बल्कि ट्विटर में ये घोषणा की कि जो चौकीदार है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि जिसका एक महत्व है, और इसको लेकर कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, और इसको उन्होंने सिंबलाइज किया अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ दिया। अब जो उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ा तो बीजेपी के सारे नेताओं ने, लाखों नेता होंगे, उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार ऐड कर दिया। बीजेपी के सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक और सारे मतलब तो जो भी वहां उनके पदाधिकारी रहे होंगे उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार ऐड कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी ने के नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ दिया तो इससे ट्विटर का क्या लेना देना है। लेकिन ट्विटर का एक लेना देना है दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप ट्विटर के हेल्प सेंटर में जाकर आप ये देखिए कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनको ब्लू टिक मिलता है वो अपने ट्विटर हैंडल को किस तरह से सावधानी से बचा के रखें, इसके बारे में उन्होंने गाइडलाइंस दी है। और इसमें सबसे पहली गाइडलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने डिस्प्ले नाम नेम को, अपने नाम को बदलने की कोशिश की तो उसका ट्विटर वेरिफिकेशन चला जाएगा। इंटेंशनली अगर किसी ने अपने नाम बदलने की कोशिश की तो उसका ट्विटर वेरिफिकेशन चला जाएगा। देश में जो लाखों बीजेपी के नेता होंगे जिनके वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे उन्होंने अपने नाम को बदलकर चौकीदार कर दिया, क्या आपको लगता है? याद करके देखिए कि इनमें से किसी भी आदमी का ब्लू टिक या वेरिफिकेशन इस वजह से ले लिया गया कि उन्होंने अपने नाम को बदला है, बल्कि उन्होंने अपने नाम को दूसरी बार फिर बदला। चुनाव जैसे ही खत्म होता है बीजेपी के नेताओं ने, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने, अपने नाम के आगे से चौकीदार हटा दिया। तो ये बिल्कुल इंटेंशनल मामला है। चुनाव के समय उन्होंने चौकीदार नाम ऐड किया और चुनाव खत्म होते ही उसी दिन उन्होंने अपने नाम को, घोषणा होने के बाद चुनाव रिजल्ट आते आते सबने अपने नाम को दूसरी बार बदल लिया। प्रश्न उठता है कि जो नाम नहीं बदला जा सकता है ट्विटर में और ये बदल लेने पर वेरिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाता है, ब्लू टिक खत्म हो जाता है, वो ऐसा कैसे है कि ट्विटर के केस में, ये बीजेपी के केस में ट्विटर ने अपने ही नियम को बीजेपी नेताओं पर लागू नहीं किया। इससे यह शक गंभीर रूप से होता है कि बीजेपी और ट्विटर की किसी न किसी रूप में वहां पर एक मिलीभगत रही होगी। ये मिलीभगत कितने स्तर पर रही होगी ये हमें नहीं मालूम है। हो सकता है ये मिलीभगत कई स्तरों पर रही हो, उन्होंने कन्वर्सेशन को कई तरह से प्रभावित करने की कोशिश की हो, विपक्ष के नेताओं के ट्विटर हैंडल और उनके एक्सेस को लिमिटेड करने की कोशिश की हो। हमें नहीं मालूम कि ट्विटर और बीजेपी में उस बीच में किस तरह की मिलीभगत चल रही होगी, लेकिन इतना हमें निश्चित रूप से मालूम है कि बीजेपी के नेताओं ने अपने नाम को इंटेंशनली बदला और उनके जो वेरिफिकेशन का सिंबल है ब्लू टिक वो उनसे वापस नहीं लिया गया। आप कह सकते हैं कि इसका चुनाव पर क्या असर है, ट्विटर पर, ट्विटर ने अगर बदल भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों, ऐसे तो ट्विटर पर
अब इस समय भारत में सिर्फ 77 लाख लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन वो बड़े प्रभावशाली लोग हैं। देश के सारे ब्यूरोक्रेट्स, उद्योगपति, लगभग सारे पत्रकार, लेखक और जो बाकी प्रमुख बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ये सारे लोग ट्विटर पे हैं और ये लोग देश में ओपिनियन बनाते हैं। अगर इस कन्वर्सेशन में बीजेपी ने इन वजहों से बढ़त बना ली तो इसका असर चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ा होगा। इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सोशल मीडिया और इलेक्शन के कोरिलेशन पर इस समय दुनिया में बड़ी बहसें चल रही हैं। अमेरिका में इस समय की सबसे जो बड़ी बहस है वो इलेक्शन के दौरान, ट्रंप के इलेक्शन के दौरान फेसबुक और ट्विटर को जिस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई बॉट्स के जरिए, मैसेडोनिया में बैठे हुए कुछ लोगों के जरिए, कुछ हैंडल्स के जरिए, रूल्स के जरिए, इस पर कई सारी जांच वहां पर इस समय चल रही है। सीनेट कमेटी वहां जांच कर रही है। ब्रेग्जिट का जो ब्रिटेन में जो रेफरेंडम हुआ उसमें उसको लेकर भी एक जांच चल रही है। तो कई देश इस समय यूरोपियन यूनियन बकायदा मिस इन्फॉर्मेशन और जो फेक न्यूज है इसको लेकर उन्होंने अपनी हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट दी है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट है। यूनेस्को ने बकायदा गाइडलाइन दी है कि किस तरह से फेक न्यूज को लेकर और डिजिटल मीडिया में किस तरह से चीजें चल रही है, सोशल मीडिया में उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे रोका जाना है। तो इतना महत्वपूर्ण जो मीडियम है यहाँ पर इस देश में सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन चल रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चाएं इस समय भारत में सोशल मीडिया और जैसे ट्विटर और फेसबुक पर चल रही है, तो निश्चित रूप से चुनाव पर इसका असर पड़ा होगा। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए और मुझे मालूम नहीं कि भारत की कौन सी एजेंसी इसको जांच कर सकती है। निश्चित रूप से आजकल क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में हैं, उनकी विश्वसनीयता खतरे में है, तो हमें नहीं मालूम कि ये इस समय हम किससे कहें कि इसकी जांच करें, सीबीआई जांच करे या कौन जांच करे या सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इनमें से अब किसकी कितनी विश्वसनीयता बची है। लेकिन निश्चित रूप से इसकी एक जांच होनी चाहिए कि ट्विटर ने अपने ही बनाए हुए नियमों को बीजेपी के लिए क्यों बदल दिया, ये और ये इस मिलीभगत का दायरा कहां तक था, क्या ये मामला यहां से बियॉन्ड जाता है, क्या वो विपक्षी दलों के नेताओं को किसी और तरीके से लिमिट कर रहे थे, उनके कन्वर्सेशन को प्रभावित कर रहे थे, क्या बीजेपी को किसी और तरीके से बेनिफिट पहुंचा रहे थे। ये सारे सवाल भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। 5 साल के लिए हम लोग जब एक वोट देते हैं तो एक तरह से अपने देश के नियंता को चुनते हैं और ये नियंता को चुनने के लिए जो हम विचार बनाते हैं इसमें ये सारी जो चर्चाएं उस दौरान होती चुनाव के दौरान इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इस कन्वर्सेशन का महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रोल है। तो इन कन्वर्सेशन को डिस्टॉर्ट करने की जो कोशिश है, कन्वर्सेशन को प्रभावित करने की जो कोशिश है, इनसे हम सबका वास्ता है, सबके लिए का मामला है। ये हमारे जैसे मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट के विमर्श का विषय नहीं है, भारत के हर नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए। वो सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन जहां पर कर रहे हैं वो कन्वर्सेशन का वो मीडियम कहीं उनके कन्वर्सेशन को प्रभावित तो नहीं कर रहा है, किसी खास तरह के ट्रेंड को उनके सामने पुश तो नहीं कर रहा है, किसी खास तरह के ट्विटर हैंडल को और फेसबुक के पोस्ट को बार बार उनके सामने तो नहीं थ्रो कर रहा है, उनके सामने नहीं फेंक रहा है। तो ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआती एविडेंसेस के आधार पर यह हैशटैग चलाने की कोशिश की है कि जो ट्विटर है वो ट्विटर चौकीदार ट्विटर चोर है। तो चौकीदार ट्विटर चोर है हैशटैग का एक प्रारंभिक जो एविडेंस है उसके आधार पर हमने यह हैशटैग चलाया है। मुझे लगता है कि इस बारे में आप गंभीरता से विचार करेंगे और सोचेंगे कि कहीं भारतीय लोकतंत्र और हमारी जो विचार निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस तरह से प्रभावित तो नहीं की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।